नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। स्वागत है आपका खबरें दिन भर की में। चलिए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश आतंकियों ने भरे बाजार में पुलिस पार्टी और सीआरपीएफ पर हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकियों को भी मार गिराया गया है। इस दौरान मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में अनंतनाग पुलिस के SHO, सीआरपीएफ के 3 जवान सहित एक महिला भी जख्मी है। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर नहीं जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार के पास प्रधानमंत्री के VVIP प्लेन को बिश्केक में होने वाली SCO सम्मेलन में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान से नहीं होकर जाएंगे, बल्कि ओमान, ईरान और सेंट्रल एशियन देशों से होते हुए बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अल्पसंख्यकों के बीच विश्वास बहाली की सलाह के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कई अहम योजना बनाई है। सरकार ने अगले 5 साल में 5 करोड़ छात्रों को प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का लाभ देने और 25 लाख नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन देने की योजना बनाई है। अल्पसंख्यक लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी पढ़ो बढ़ो अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिन 5 करोड़ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें 50% छात्राओं को शामिल करने की योजना होगी। जम्मू कश्मीर में आज प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टरों की 1 दिन की हड़ताल रही। इसके चलते लखनपुर से लेकर कश्मीर तक सभी कॉमर्शियल वाहनों के चक्के जाम रहे। वहीं अपनी मांगों को लेकर JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। हड़ताल के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। पर्यटकों का बुरा हाल है, जिन्हें इस भीषण गर्मी में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि यह हड़ताल विभाग द्वारा जबरन गाड़ियों में GPS लगाने को लेकर है, और दूसरी तरफ एसोसिएशन का कहना है कि विभाग ने अभी तक सिस्टम के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम तक तैयार नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर घाटी के पट्टन में 10 जून से रात से लगातार बारिश के कारण पट्टन के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहां के चश्मदीदों के मुताबिक रिहायशी घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग और राजस्व विभाग लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा है। SDM पट्टन ने कहा कि वो खुद मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूर्व विधायक पट्टन मौलवी इमरान रजा अंसारी ने भी हाजीवा पट्टन का दौरा किया। घाटी में लगातार बारिश के कारण झेलन नदी का स्तर भी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बाढ़ का खतरा बन गया है। मकामी लोग खुद कमजोर बांध पर पत्थर और बोरियां डालकर उस हिस्से का बचाव कर रहे हैं। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को चोटिल शिखर धवन के कवर के रूप में भारत की विश्व कप टीम से जोड़ा जाएगा। पंत का विश्व कप टीम में नहीं चुना जाना चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि वो पिछले 1 साल से शानदार फॉर्म में थे। वो आज इंग्लैंड पहुंच जाएंगे, लेकिन जब तक टीम प्रबंधन धवन का बाकी टूर्नामेंट के लिए अंतिम फैसला नहीं करता, तब तक पंत को उसके बदले 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी लंदन हाई कोर्ट ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये नीरव मोदी द्वारा दाखिल की गई 4थी जमानत याचिका थी। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले भगोड़े नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है। जैसा हमने पहले बताया था कि देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा GDP के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ और उसे झूठा बताया था और सवाल उठाए थे, वहीं अब केंद्र में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि GDP पर अरविंद सुब्रमण्यम तभी सवाल उठाते जब वो आर्थिक सलाहकार थे। केंद्र सरकार ने कहा कि परिषद जल्द एक एक पॉइंट पर इसका जवाब देगी। फिलहाल काउंसिल अभी उनके सभी बिंदुओं पर गौर कर रही है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रहा सियासी संग्राम खत्म नहीं हो रहा है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दौरान कोलकाता पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान दोनों पक्षों में ईंट पत्थर भी जमकर चले। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। भारतीय वायुसेना के 8 दिनों तक चले तलाशी अभियान के बाद मंगलवार को AN-32 विमान का मलबा ढूंढ लिया। ये मलबा अरुणाचल प्रदेश के लीपो के उत्तरी क्षेत्र में मिला है। विमान में सवार 13 लोगों की तलाश के लिए भारतीय वायुसेना ने 8 से 10 जवानों को 2 हेलीकॉप्टर्स की सहायता से क्रैश साइट पर सफलतापूर्वक एयरड्रॉप किया है। इस टीम में भारतीय वायुसेना, थल सेना और सामान्य पर्वतारोही हैं। ये एक दुर्गम पहाड़ी इलाका है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।